हेलो नमस्कार ब्रजेंद्र कुमार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अनुबंध 12 माह करने को लेकर अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनने बोला है कि सरकार ने 12 माह का अनुबंध करने की घोषणा की थी, लेकिन अतिथि शिक्षकों को बीच सत्र में ही हटाया जा रहा है। तो इस संबंध में अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है, सरकार से मांग की है कि इनका पद स्थायी किया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों की क्या मांग है और अतिथि शिक्षक सरकार से क्या चाहती है, अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। शहडोल के ब्योहारी ब्लॉक के मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को बीईओ द्वारा हटाने की कार्रवाई के बाद विरोध भी हो रहा है। इसके विरोध में अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि बीच सत्र में नियम के खिलाफ उन्हें न हटाया जाए। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अक्टूबर महीने में भी लोक शिक्षण ने आदेश निकाला था कि अतिथि शिक्षकों को न निकाला जाए, लेकिन सरकार बदलते ही संबंधित अधिकारी अपनी मनमर्जी पर उतर आए हैं। जबकि चुनाव के पहले सीएम ने महापंचायत में कहा था कि अतिथि शिक्षकों के साथ 1 साल का अनुबंध होगा, बीच सत्र में किसी भी हालत में अतिथि शिक्षक नहीं निकाले जाए। लेकिन प्रचंड बहुमत से बीजेपी के जीतने के बाद भी जिले का शिक्षा विभाग और उनके अधिकारी शासन के आदेश को नहीं मान रहे, अपनी मनमर्जी पर उतारू। दुखी मन से हम ये बात कह रहे हैं कि हमें जो आपने महापंचायत में निर्णय लिए थे कि आप 1 साल का अनुबंध सत्र के दौरान चाहे ट्रांसफर से चाहे प्रमोशन से कोई अतिथि नियमित शिक्षक आए, आपको हम नहीं हटाएंगे तो लागू किया जाना चाहिए, आपको हम नहीं हटाएंगे तो लागू किया जाना चाहिए।